तो हाँ जी दोस्तों, देखिए अभी है रात का टाइम और अभी मैं किचन में सफाई करके बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद ना बच्चे इतना ज़्यादा कूड़ा करके डालते हैं। तो अभी देखिए मैंने गैस भी साफ कर दी है, और क्या होता है ना काम रात का रात में निपट जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। ट्रॉली वगैरह ये सारा जितना भी काम हो ना, मैं फ्रंट कैमरे से ही बता रही हूँ। ये देखो चूल्हा मेरा वो है, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि चूल्हा बताया करो। अभी मैंने साफ सफाई करके बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया है, बर्तन धो के रख दिए हैं और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। मैंने अपनी गैस भी साफ कर दी। क्या होता है जैसे रात के टाइम अपना काम पूरा फिनिश कर दे किचन का, तो सुबह जब हम किचन में आते हैं तो बहुत फ्रेशनेस ही महसूस होती है। तो मेरे को कभी कभी पूर्व बोलते हैं कि मम्मी आप किचन में मतलब बर्तन और गैस तो सही, चलो वो तो ठीक रहता है, लेकिन आप ये बर्तन वाली है ट्रॉली क्यों साफ करते हो? पता क्या, ऊपर से मिट्टी गिरती है तो ये हमें डेली साफ करनी पड़ती है। तो अभी देखो फ्री हो गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, बच्चों को सुलाने का टाइम हो गया, थोड़ा सा अपने बाइटी फ्रेंड को टाइम देंगे और उसके बाद मॉर्निंग में पता नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा, बैक कैमरे से बताती हूँ। चला गया, एक बहुत बड़ा चूहा था छत के ऊपर और झांक झांक के देख रहा था। तो चलते हैं अभी पानी लेके नीचे, देखते हैं बच्चे भी क्या कर रहे हैं। और ये छोटी सी क्लिप्स है जब मैं पुरु के प्रिशोरी प्रिशु के स्कूल में गई थी, बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, जो कि आप सामने के व्यू को देख के बिल्कुल पता लगा सकते हो, क्योंकि कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी। और कल तो मतलब ऐसा बोला जाए कि लोगों को ना घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब 5-6 दिन जो है ना तो बारिश बताई गई है। तो मैं और पुरु अभी यहीं स्कूल के बाहर खड़े थे, अभी आगे आगे गाड़ियां जो है ना आनी चाहती, इसलिए हमने जो है अपनी स्कूटी पीछे ही खड़ी कर दी थी। तो हाँ जी दोस्तों, देखो लोकेशन देख के आपको पता चल ही गया होगा, मैं और पुरु अभी प्रिशु के स्कूल में ले जाएगा कोई, मैं और पुरु अभी प्रिशु के स्कूल में पहुँचे। तो पीछे से देखो कितने मतलब ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर डाला हुआ मैं प्रिशु को, तो मुझे तो ये पहले से ही स्कूल बहुत गंदा लगता था। और अभी चलो पाँच करवा लेंगे, उसके बाद देखते हैं। और ये देखिए इस रास्ते से शॉर्टकट होके आए हैं और गाड़ियाँ जो जाती हैं स्कूल की यहाँ से होके जाती हैं। तो चले अभी देखते हैं, आज बारिश इतनी हो रही है कोई भी व्यू कैप्चर नहीं किया जा सकता, बहुत ज़ोरों से बारिश पड़ी हुई है। चलो चलते हैं, अभी देखते हैं कितने पेरेंट्स आए हैं और कितने नहीं आए हैं, है ना। सर की पुत्री मिस अदिति गुलेरिया, मैडम दीपिका और वनिता जी से मेरा आग्रह रहेगा, मिस अदिति गुलेरिया जी को शॉल भेंटकर सम्मानित करें। इसके उपरांत मेरा अनुरोध रहेगा राजेश सर और समूह सर से कि वो मंच पर आ जाएं और प्रिंसिपल सर के सुपुत्र मिस्टर आदित्य गुलेरिया जी को सम्मानित करें। और बारिश होने के कारण ये मैं साइड पे ही बैठ गई थी, बहुत सारी लेडीज भी यहीं पे बैठी हुई थी, और ये थी मिडिल स्कूल की लड़कियां जो मतलब अपना जो थी बता रही थी, अपना जो इनको टीचर्स ने बताया था। तो यहाँ पे जो था जैसे पूर्व के स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे मतलब प्रिंसिपल जी रिटायर हो रहे थे, तो सब स्कूल के जितनी भी क्लासेस थी सबने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। मुझे पता नहीं था ये फंक्शन है, नहीं तो मैं थोड़ा लेट जाती, थोड़ी देर ही रुकी थी। और देखा जितना भी मैंने वहाँ पे वीडियो कैप्चर किया आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये थी 8th क्लास की लड़कियाँ, बहुत अच्छा डंबल, पता नहीं डांस बोल रहे थे कि एक्सरसाइज कर रहे थे, ये डंबल एक्सरसाइज बहुत अच्छी कर रहे थे। और ये थी 9th क्लास की लड़कियाँ, ये जो वाइट ड्रेस वाली है ये पुरु की फ्रेंड है, बहुत अच्छा
इन्होंने गाने पे डांस किया। और इस टाइम जो गाना लगा हुआ था गद्दिया मेरिया तेरिया भेड़ा जो दिंगा वो मैं पता नहीं क्यों समथिंग ऐसा गाने पे डांस कर रही थी। तो यहाँ बहुत ज़ोरों ज़ोरों से स्पीकर लगे हुए थे। मैं अगर आपके साथ ऐसे शेयर करूँ तो कॉपीराइट आ सकता है। तो बहुत अच्छा इन बच्चियों ने डांस किया था और इतना नीटली और क्लीन इनका डांस था, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि इन बच्चों ने पहले भी मतलब अपना डांस जो था मंच में प्रस्तुत किया था, तो टीचर ने ही इनको बोला था कि आप दोनों जो है डांस करना। डांस के मैंने सिर्फ छोटी छोटी क्लिप्स जो है आपके साथ शेयर की है। अगर क्या होता है ना, जैसे जो ये बच्चे डांस कर रहे हैं, अगर कोई और गाता तो मैं आपके साथ पूरी क्लिप शेयर करती, लेकिन स्पीकर के कारण मुझे ये बंद करना पड़ रहा था। और ये थे हमारे MLA जी, ये जो सॉरी ये जो अभी बैठे साड़ी वाली जो थी प्रिंसिपल की वाइफ थी, और आगे जो जिन्होंने पगड़ी लगाई हुई थी ये प्रिंसिपल थे। और ये फिर से 8th की क्लास लड़कियों ने उन्होंने ये डांस के ऊपर जो था ना पता नहीं क्या बजा रहे थे ये, तो इसमें गाना लगा हुआ था संदेश से आते हैं चले जाते हैं, वो फौजियों वाला गाना लगाया हुआ था। और बहुत अच्छी मतलब इन्होंने प्रस्तुति की थी। मैं सच बात बोलूं तो मुझे ना यहाँ पे 2-3 फंक्शन इतने अच्छे लगे, क्योंकि गाने के ऊपर डांस करना वो तो सबको समझ आती है, लेकिन ये इतना मतलब इन्होंने इन क्या लिए होते इन्होंने हाथ में जैसे, तो इतना अच्छा मतलब इन्होंने किया प्रस्तुति। सब इनको मतलब क्लैपिंग करके जोरों से इनका जो था उत्साह बढ़ा रहे थे। बहुत अच्छा इन्होंने अपना प्रदर्शन किया और बारिश में ये बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और ये है हमारे MLA जी, ये MLA जी जो थे मतलब ये प्रिंसिपल जी को मतलब भेंट दे रहे थे। तो इन्होंने शॉल दी थी क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब MLA जी को भी बुलाया गया था नेताजी को। तो ये इन्होंने हमारी पहाड़ी टोपी इनको भेंट दी थी, साथ में दिया था शॉल। तो ये था मेरा एक छोटा सा क्लिप्स आप लोगों के साथ।